गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय का ये हमारा पहला वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपसे केवल सामान्य बातें करूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अर्थशास्त्र क्यों पढ़ें, क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से आप अर्थशास्त्र को अपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा है, समझा है, वो सारी बातें हम एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से सीखने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, कक्षा 10 तक का जो आपका स्टडी का जो तरीका होता है वो एक संकुचित दायरा होता है, एक सीमित बुक्स के माध्यम से आपको उस विषय के ज्ञान से अवगत करवाया। कक्षा 11 में छात्र आने के बाद उसका बौद्धिक विकास बढ़ता है और उस बौद्धिक विकास के कारण ही विषय की अलग अलग समझ को विकसित करना हमारा उद्देश्य होता है। अब तक आपने सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, चाहे उसमें भूगोल हो, चाहे उसमें राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे उसमें आपका इकोनॉमिक्स हो, अर्थशास्त्र हो, चाहे उसमें आपका सोशियोलॉजी हो, समाजशास्त्र हो, हिस्ट्री हो या अन्य प्रकार के होम साइंस, ड्रॉइंग और भी बहुत सारे विषय हैं इसके अंदर, उनको आपने पढ़ा है। लेकिन अब आपको आपकी रुचि के अनुसार अपनी स्ट्रीम का चयन करना है। जो विद्यार्थी विज्ञान में रुचि रखते हैं विज्ञान या साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं, जो भी विद्यार्थी कॉमर्स में रुचि रखते हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम को चुनते हैं, और जो विद्यार्थी कला में विश्वास करते हैं, कला में अपनी रुचि रखते हैं या कला को अपना फील्ड बनाना चाहते हैं वो आर्ट्स या कला फैकल्टी को चुनते हैं। अब इसको चुनने के बाद यहां विषय का चुनाव करना जरूरी होता है और विषय के चुनाव में आपको कोई 3 विषय चुनने हैं, इतने सारे विषयों में से कोई भी 3 विषय आपको चुनने हैं। अब आप अपनी रुचि के अनुसार, अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार, उनकी क्या उपयोगिता है उसके अनुसार अपने 3 विषयों का निर्धारण करें। तो छात्रों, मैं यहां आपको अर्थशास्त्र विषय के बारे में ये बताने जा रहा हूं कि आप अर्थशास्त्र क्यों पढ़ें। देखिए, वर्तमान जो समय है वो आर्थिक है। आर्थिक का मतलब आर्थिक क्रियाओं के किए बिना सामाजिक जीवन जीना संभव नहीं है। सामाजिक जीवन की नींव, सामाजिक जीवन का एक आधारभूत स्तंभ आर्थिक क्रिया है। जब अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में आर्थिक क्रिया कर पाएंगे तो आप अपने सामाजिक जीवन को सफल बना पाएंगे। इसलिए आर्थिक क्रियाओं की समझ विकसित करना जरूरी है, इसलिए हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए। इसमें जो विशिष्टताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको मन में नहीं निर्धारित करें हम, क्योंकि जीवन में जितने भी विशिष्टताएं होंगी वो ही आपके लिए अपना उपयोगी होता है। इसलिए हम यह कहना कहेंगे आपसे कि आप इकोनॉमिक्स विषय को आप चयन करें और अपने जीवन में इसके ज्ञान को सीखकर सार्थक बनाए। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे आगे जाकर अवसर आएंगे जहां इसकी उपयोगिता से जरूरत है, वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे वीडियो आपको बताते जाएंगे या ऑफलाइन क्लास होगी उसके माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। अब अपन पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में कक्षा 11 में 2 पुस्तकें चल रही हैं। पहला पेपर आपका है अर्थशास्त्र में स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब दूसरा जो पेपर है वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पेपर आपका एप्लाइड पेपर है, व्यवहारिक पेपर है, व्यवहार में उसको पढ़कर आप अपने जीवन जीवन चीजों को अपनाएंगे। और ये जो पेपर है ये टेक्निक्स और टूल्स पर आधारित पेपर है। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स को पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी होंगे। आर्थिक समस्याएं या जीवन
स्टैटिक्स और पूल को समझने के लिए आपको अर्थशास्त्र में स्टैटिक्स पढ़ना जरूरी है। तो छात्रों अपने कक्षा 9-10 में अर्थशास्त्र नामक विषय के कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ सामान्य घटनाएं पढ़ी होंगी। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, क्या होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है विषय, ऐसा विषय जिसमें धन को पढ़ाया जाएगा, धन की विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा। अब यहां धन का मतलब उन सब आर्थिक क्रियाओं से है जिनको करने से आय का सृजन होता है, वे सारी आर्थिक क्रियाएं जिनको करने से आय का सृजन होता है वो यहां पर व्यर्थ धन है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का उद्भव और विकास की जो बात आती है वो 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का उद्भव किया है, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का फादर कहा जाता है। बहुत अधिक उपयोगी परीक्षाओं में यह चीज पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई। दो बातें क्लियर होगी यहां पर, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति 1776 में हुई और इसका जनक उत्पत्ति करने वाला व्यक्ति कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन 1776, और इस पुस्तक में इकोनॉमिक्स की सामान्य घटनाओं के बारे में या इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति और विकास के बारे में विस्तार से उसने बताया। इस पुस्तक को लिखने के बाद इकोनॉमिक्स का उद्भव और विकास हुआ। तो यहां छोटी छोटी घटनाओं से अर्थशास्त्र को शुरू करेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है, कौन कौन सी विषय वस्तु होती है, तो उनको जोड़ते हैं, अर्थशास्त्र को जोड़ेंगे यहां पर। तो देखिए छात्रों, आपने प्रारंभिक कक्षाओं में उपभोक्ता पढ़ा होगा, उपभोक्ता के बारे में चर्चा की होगी और उपभोग के बारे में चर्चा होगी। नंबर एक, नंबर दो है आपने उत्पादन और उत्पादक के बारे में चर्चा की होगी। नंबर तीन आपने विनिमय पढ़ा होगा, विनिमय एक्सचेंज। चार वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, और राजस्व पढ़ा होगा। ये कुछ करता है प्रारंभिक कक्षाओं में आपने पढ़ी होगी। इन सारी घटनाओं को विषय से जोड़ेंगे यहां पर। जैसे शब्द आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। उपभोक्ता कौन होता है, कौन सी क्रिया करता है, इसका इकोनॉमिक्स में क्या है। उपभोक्ता वो होता है जो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है। और उपभोग क्यों करता है, उपभोग करता है वस्तु सेवा से संतुष्टि को प्राप्त करने। वो स्तर व्यक्तिगत भी हो सकता है और वो स्तर सामूहिक भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति वस्तु सेवा का उपभोग कर रहा है वो तो कहलाएगा उपभोक्ता, कंज्यूमर, और जो उपभोग करने की क्रिया है वो कहलाएगा उपभोग, कंजम्पशन। तो यहां उपभोक्ता और उपभोग दोनों में अंतर आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर उत्पादन और उत्पादक, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन। तो देखिए छात्रों, हम सामान्य घटना में ऐसा मानते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन उत्पादक द्वारा किया जाता है, किसी वस्तु का निर्माण उत्पादक द्वारा किया जाता है। हम उत्पादन को मानते हैं किसी वस्तु को बनाना, जबकि ऐसा माना जाता है कि ना तो उत्पादक किसी वस्तु को बना सकता है और ना उसको मिटा सकता है। ये जो कार्य है किसी वस्तु को बनाने का और मिटाने का जो कार्य है वो है प्रकृति। इस वैश्विक इकोनॉमी में जो भी वस्तुएं आपके सामने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दिखाई देती हैं वो सारी वस्तुएं प्रकृति ने ही बनाई है।
मानव ने या उत्पादक ने केवल प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तु को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी उपयोगिता के अनुसार बदला है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बदली है, उसमें उपयोगिता बदली है, उसको वस्तु को बदल दिया। और ये जो बदलने की प्रक्रिया है कि प्रकृति ने जो वस्तु बनाई और मानव या उत्पादक ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु को बदल दिया, ये जो प्रक्रिया है ये कहलाया उत्पादन। इसलिए अनेक विद्वान ये कहते हैं कि उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि या उपयोगिता, उपयोगिता में वृद्धि। ये दो जो बातें हैं ये उत्पादन को स्पष्ट करते हैं। यहां क्या हो सकता है, आपको ये समझ भी आया हो, हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं यहां पर। जैसे हमने जंगल से लकड़ी प्राप्त, तो आपसे पूछना चाहेंगे लकड़ी को किसने बनाया, किस उत्पादक ने बनाया। तो लकड़ी को बनाने वाला जो उत्पादक है वो है प्रकृति। लकड़ी को किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया। अब आप देखिए ये मूल स्वरूप में तो प्रकृति ने बनाया, लेकिन जो उत्पादक है, जो मानव है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किस लकड़ी की उपयोगिता को बदलेगा। इस लकड़ी से फर्नीचर बनेगा पढ़ाई के द्वारा। अब फर्नीचर में देखो आप, मेज बन सकता है, बेड बन सकता है, दरवाजा बन सकता है, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है, डस्टर बन सकता है। तो मानव ने जैसे जैसे इस लकड़ी की आवश्यकता को महसूस किया किसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, वैसे वैसे इसके स्वरूप को बदल दिया। और ये स्वरूप बदलने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाई, उत्पादन क्या है। तो दोनों बातें स्पष्ट हो रही है कि उत्पादन जो है वो वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि करता है। कैसे करता है, जंगल से जो लकड़ी आपने प्राप्त की उस लकड़ी का मूल्य कम था, इसके फर्नीचर, जब उस लकड़ी से फर्नीचर बना दिया जाएगा तो उस स्थिति में लकड़ी का मूल्य ज्यादा हो जाएगा। तो यहां ये समझने की बात है कि मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन है और उपयोगिता में वृद्धि करना, जब जंगल से लकड़ी प्राप्त किया आपने तो उसकी उपयोगिता भी सीमित है, और उसके बाद जैसे जैसे फर्नीचर बनेगा या और क्रिया में उसको उपयोग में लिया जाएगा उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। जंगल की लकड़ी को जलाने के काम आ रही है और उसको अन्य स्वरूप में बदलने के बाद उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। तो यहां उत्पादन और उत्पादन, तो स्वरूप बदलने की प्रक्रिया उत्पादन है, एक्शन है, और उसको करने वाला जो व्यक्ति है वो प्रोड्यूसर है, उत्पादक। तीसरे विषय वस्तु यहां पर हमने पढ़ा होगा विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, और एक्सचेंज अदला बदली या लेने देने का तरीका होता है। प्राचीन काल में आज से 5000 वर्ष पूर्व असभ्य मानव या संस्कृति या संस्कार की मानव की जो बात करते हैं, जब उसको ज्ञान नहीं था तब उसको केवल दो तीन आवश्यकताएं हुआ करती थी, कैसे उसको अपना पेट भरना है, इधर उधर घूमकर अपनी भूख को मिटाना है, उससे ज्यादा कोई प्रबल आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, मानव के अंदर संस्कार उत्पन्न हुए और एक अच्छे नागरिक के तरीके से रहने लगा, उस स्थिति के बाद हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो हमने महसूस किया विनिमय, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस इकोनॉमी में इतना निपुण नहीं होता है जो अपनी सभी आवश्यकताओं को अकेला पूरा करे। हर व्यक्ति को, हर साधक को किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी वस्तु की जरूरत होती है, और हम जब सारी वस्तु हमारी आवश्यकताएं खुद उत्पन्न नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरे की जरूरत महसूस होगी, और जब दूसरे की जरूरत महसूस होगी तो उस क्रिया में हमें क्या करना पड़ेगा, विनिमय करना पड़ेगा। तो जो वस्तु को एक व्यक्ति बना रहा है उससे बी वस्तु प्राप्त कर ले, बी बना रहा है तो ए को दे दे, इस तरह दोनों की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। तो इस प्रकार की जो अदला बदली वाली प्रक्रिया है, लेन देन वाली जो प्रक्रिया है, इसको सामान्य तौर पर शास्त्र में क्या कहा जाता है, विनिमय कहा जाता है। देखिए छात्रों, विनिमय दो प्रकार का होता है, एक गुड्स एक्सचेंज होता है उसको बोला गया वस्तु विनिमय, दूसरा होता है मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय मॉनेटरी एक्सचेंज। अब दोनों प्रकार के विनिमय को समझना होगा। जब प्राचीन काल में हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, कम थी, उस स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। वस्तु विनिमय का मतलब होता है
कार्य के बदले वस्तु का देना या वस्तु के बदले वस्तु का लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ दोष उत्पन्न हुए, कुछ ऐसी कमियां उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से मुद्रा का उद्भव और विकास को हमने महसूस किया। आज जो मुद्रा की इकाई हमारे सामने जिस रूप में आई है उसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है कि मुद्रा हमारे सामने जो मेटालिक में हो या पेपर गोल्ड में हो किसी रूप में हमने स्वीकार किया है वो दोनों में बनने का ही लंबा इतिहास कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ ऐसी कठिनाइयां ऐसे दोष उत्पन्न हो गए जिसके कारण मुद्रा का उद्भव और विकास हो। तो यहां वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन या काम के बदले वस्तु का लेन देन, और मुद्रा विनिमय का मतलब क्या होता है, काम के बदले मुद्रा देना और वस्तु के बदले मुद्रा देना या मुद्रा से वस्तु से वापस लेन देन करना मुद्रा विनिमय। हम बाजार जाते हैं, बाजार में जाकर कोई वस्तु विक्रेता से मांगते हैं तो उसके बदले हम पैसा देते हैं, मुद्रा देते हैं, हम उसको मुद्रा देते हैं वो हमें वस्तु देता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये मुद्रा विनिमय कहलाएगी। और कई बार आपने सामान्य जीवन में ऐसा देखा है कि हम कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं कि हम आपस में किसी वस्तु को बदल लेते हैं। मेरे पास कोई वस्तु है, गेहूं है, मैंने उसको गेहूं दे दिया, उससे मैंने मक्का ले लिया। मेरे पास सब्जी है, मैंने उसको सब्जी दे दी, उससे मैंने रोटी ले ली। तो इस प्रकार का जो लेन देन है जो प्राचीन काल में ज्यादा देखने को मिलता था वो लेन देन कराया वस्तु विनिमय। तो दो प्रकार का तरीका हो गया, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। फिर हम बात कर लेते हैं वितरण। वितरण का मतलब होता है बांट, कोई भी वस्तु सेवा का जो उत्पादन होता है वो साधनों की सामूहिक क्रिया से। अब आपके लिए नया शब्द यहां पर साधन है। अर्थशास्त्र में साधन का मतलब है उत्पादन में संलग्न इकाई, कौन कौन सी इकाई उत्पादन में संलग्न है वो साधन कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं श्रम, नंबर एक श्रम, दूसरा होता है भूमि, तीसरा पूंजी और नंबर चार उद्यमी। ये उत्पादन के चार साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। जब तक ये उत्पादन के चारों साधन सामूहिक रूप से उत्पादन प्रक्रिया में प्रयास नहीं करेंगे तब तक वस्तु सेवा का उत्पादन संभव नहीं। अब ये सामूहिक रूप से प्रयास क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आवश्यकता इतनी अधिक है कि उन आवश्यकताओं को हम खुद पूरा नहीं कर सकते, हमें दूसरे व्यक्ति की सेवा लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जब हम किसी को सेवा देंगे तो उसके बदले हमें सेवा मिलेगी। हम किसी के लिए काम करेंगे तो वो हमारे लिए काम करेगा, यदि हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये उत्पादन के चारों साधन मिलकर काम करते हैं और इनको काम करने से वस्तु सेवा का निर्माण होता है और वो वस्तु सेवा हमारे लिए जब उपभोक्ता के रूप में उपभोग के रूप में आती है तो हमें संतुष्टि प्रदान करती है। तो ये काम इसलिए करते हैं कि इनको कोई प्रतिफल मिले। प्रतिफल किस रूप में मिलता है, इनको श्रम को मिलता है मजदूरी के रूप में, मजदूरी, इसको डब्ल्यू साइन देते हैं वेजेस। भूमि को मिलता है लगान के रूप में, इसको आर का साइन देते हैं रेंट। पूंजी को मिलता है ब्याज, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। और उद्यमी जो है इसको मिलता है लाभ, प्रॉफिट। यह प्रतिफल को काम के बदले मिलता है और इस प्रतिफल को प्राप्त करके ये साधन अपने लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे प्रकार की सेवाओं को तय करते हैं। तो इस प्रकार से वितरण में यह बताया गया है कि उत्पादन के साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसमें भाग लेने के बदले उनको क्या मिले। तो या श्रमिक को क्या मिले, श्रमिक को मजदूरी मिले, कितनी मिले, आमदरा कितनी मजदूरी मिले। तो जितना उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता है, उतनी मजदूरी मिले। भूमि को लगान कितना मिले, पूंजी को ब्याज कितना मिले और भूमि को लाभ कितना मिले। ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है वितरण। उत्पादन के साधनों का उत्पादन में अंश क्या हो, डिग्री कितनी हो, वो कहलाता है वितरण। और सरकार की आय व्यय की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है राजस्व। तो ये कुछ सामान्य संगठन आपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़े हैं उनका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर आपको करवाया है। ये सारे संगठन आपको धीरे धीरे पढ़ने पड़ेंगे और इनको जोड़ते हुए अर्थशास्त्र का निर्माण करेंगे। थैंक यू।